हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीमा सैनी। आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 विस्टाज बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 5, शुड विजर्ट हिट मॉमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक। विजर्ट मीन्स अ मैन विद मैजिक पावर। मॉमी, नॉर्थ अमेरिकन टर्म फॉर मम्मी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट द मेन करेक्टर्स एंड देन इंट्रोडक्शन एंड डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर। So let's start with the main character. First character is Joanne, a 4-year girl lovingly called as Jo. Jack, father of Joanne. Claire, wife of Jack, mother of Joanne. Skunk, a wee creature with a bad smell. Bobby, Joe's baby brother. Mother skunk, mother of baby skunk. Owl, a wise creature that solves the problem. Wizard, a magician. Okay, so let's start the introduction of the story. Before you read, here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral questions he raises during the story session with her father. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये लिटिल चाइल्ड के वर्ल्ड व्यू के बारे में है, जो ड्यूरिंग स्टोरी सेशन डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन पूछती है अपने फादर से. ओके, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैक, हु इज अ फादर ऑफ टू किड्स, जोएन एंड बॉबी. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये फादर जैक के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिनके टू किड्स हैं, जोएन एंड बॉबी. His wife Claire is carrying their third child. ठीक है, जैक की वाइफ क्लियर प्रेगनेंट है और उनका थर्ड बेबी आने वाला है. जैक हैड अ हैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर जो अ स्टोरी एवरी इवनिंग ऑन सैटरडे एंड आफ्टरनून नैप्स. ओके, सो जैक को हैबिट है कि अपनी डॉटर जो को एवरी इवनिंग और सैटरडे आफ्टरनून नैप पे स्टोरी सुनाते हैं. ठीक है, दिस टाइम व्हेन ही वॉज टेलिंग हर अ स्टोरी, शी इंटरप्ट्स हिम एंड आस्क हिम क्वेश्चन व्हेन एवर शी फील्स दैट थिंग्स दैट आर बीइंग टोल्ड आर नॉट राइट. ठीक है, अब जब फादर स्टोरी सुना रहे थे, ठीक है, तो जो उनको इंटरप्ट करती है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछती है जहाँ पे भी वो फील करती है कि उनके फादर उनको राइट नहीं बता रहे हैं. ठीक है, सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स एंड डजंट नो हाउ टू सॉल्व जोज क्वेश्चन. और जैक अपने आप को प्रॉब्लम में पाते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि किस तरह से जैक जो के क्वेश्चन को वो सॉल्व करें. पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली वॉट दे आर टोल्ड. पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं, यही फील करते हैं कि उनकी बच्चों को वही करना चाहिए, एग्जैक्टली वही चीज़ें करनी चाहिए जो वो उनको बताते हैं. ठीक है, दे शुड बिलीव वट एवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स. और पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं वो उन्हीं चीज़ पर बिलीव करें. बट इज दिस अ राइट एटीट्यूड, क्या ये राइट एटीट्यूड है? This moral question is raised by the story and left for the reader to decide what should be done. ये जो moral question है ये story में raise होता है. ठीक है, ये story यही question raise करती है और आप सब पे readers पे छोड़ देती है कि आप decide करो क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए. Okay? So let's start the summary. The story starts with the daily routine that Jack had been following for 2 years with his daughter Jo. ठीक है, ये story start होती है एक daily routine से जो कि जैक फॉलो कर रहे थे 2 ईयर से. वो 2 ईयर से अपनी डॉटर जो को स्टोरी सुना रहे थे. ओके, हिज डॉटर वॉज 2 ईयर ओल्ड व्हेन द ट्रेडिशन स्टार्टेड एंड टुडे शी वॉज 4 ईयर ओल्ड. जब उन्होंने स्टोरी टेलिंग का ये जो ट्रेडिशन था स्टार्ट किया था तब जो 2 ईयर्स की थी. ठीक है, और आज वो 4 ईयर्स की हो चुकी है. ओके, द ट्रेडिशन वॉज दैट जैक वुड टेल जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड एवरी डे इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड एंड ऑल्सो ऑन एवरी सैटरडे आफ्टरनून ड्यूरिंग हर नैप टाइम. ओके, सो ट्रेडिशन क्या था कि फादर जो को स्टोरी सुनाते थे. ठीक है, और आउट ऑफ द माइंड मीन्स अपने माइंड से ही जो को स्टोरी सुनाते थे अपने आप बना के. ठीक है, ये बेड टाइम स्टोरी थी. ठीक है, और वह एवरी सैटरडे नैप पे, आफ्टरनून नैप पे और एवरी इवनिंग जो को स्टोरी सुनाते थे. ठीक है, नाउ द इशू वॉज दैट इट हैड बीन सो लॉन्ग दैट ही हैड बीन टेलिंग हर स्टोरीज दैट ही डिड नॉट हैव एनी गुड आइडियाज फॉर स्टोरीज लेफ्ट विद हिम. अब यहाँ पे जैक को बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था स्टोरी सुनाते सुनाते, क्योंकि वो आउट ऑफ द माइंड स्टोरी सुनाते थे. ठीक है, अपने आप से स्टोरी सुनाते बनाते थे और जो को सुनाते थे, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया था. जब जो 2 ईयर्स की थी तब से वो स्टोरी सुना रहे थे और वो 4 ईयर्स की हो चुकी है अभी. मीन्स 2 ईयर्स हो गए उनको स्टोरी सुनाते सुनाते, तो अभी उनके पास ऐसा कोई भी गुड आइडिया नहीं बचा था स्टोरी सुनाने के लिए. ठीक है, सो इवन जो डिडंट स्लीप ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन एनी मोर. और अब
जो जो थी वो स्टोरी सेशन के टाइम पे सोती भी नहीं थी, क्योंकि वो 4 इयर्स की हो चुकी थी, वो बड़ी हो चुकी थी. जब वो छोटी थी तो स्टोरी सेशन के ड्यूरिंग वो सो जाती थी. सो एवरी डे व्हेन ही यूज टू टेल हर अ स्टोरी, ओके, द बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी यूज टू बी द सेम, रिवॉल्विंग अराउंड रोजर एंड एनिमल हु यूज टू चेंज एवरी डे. ठीक है. सो जब भी जो स्टोरी है, जब भी वो स्टोरी सुनाते थे, एवरी टाइम स्टोरी का जो मेन प्लॉट होता था, ठीक है, उसका जो बेसिक प्लॉट होता था स्टोरी का, वो सेम होता था. ठीक है. स्टोरी हमेशा ही रोजर के अराउंड मूव करती थी, रोजर के अराउंड घूमती थी. ठीक है. लेकिन इस टाइम पे क्या, और हर टाइम पे जब भी वो स्टोरी सुनाते थे, सिर्फ एक एनिमल्स का नाम रोजर के साथ वो कनेक्ट कर देते थे. ठीक है. जैसे कि रोजर स्कंक, रोजर चिपमंक, रोजर फिश एक्सेट्रा. ठीक है. सो रोजर यूज टू हैव अ प्रॉब्लम एंड ही वुड अप्रोच द वाइस आउल फॉर द हेल्प. ठीक है. और यहाँ पे राइटर ने सबसे पहले बताया है कि स्टोरी का सीक्वेंस होता था वो किस तरह का होता था. ठीक है. रोजर को यहाँ पे बताते हैं जो स्टोरी का सीक्वेंस है. ठीक है. रोजर को जब भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अप्रोच करता था वाइस आउल को हेल्प के लिए. ठीक है. हु वुड सेंड हिम टू द विज़र्ड, और वो जो आउल था वो उसको विज़र्ड के पास भेजता था. द विज़र्ड वुड सॉल्व रोजर्स प्रॉब्लम बट आस्क फॉर मोर पैनीज दैट रोजर हैड एंड वुड ऑल्सो गिव हिम अ सॉल्यूशन टू गो एंड फेच पैनीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस. सो विज़र्ड जब पैनीज की डिमांड करता था, वो इतनी पैनीज की डिमांड करता था जितनी कि रोजर्स के पास नहीं होती थी. तो जब रोजर के पास इतनी सारी पैनीज नहीं होती थी तो विज़र्ड उसको एक स्पेसिफिक प्लेस भी बता देता था जहाँ से वो पैनीज लेके आता था. ठीक है. देन रोजर वुड गो टू द प्लेस, फेच द पैनीज एंड वुड हैप्पीली गो बैक एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स. ठीक है. और रोजर उस स्पेसिफिक प्लेस पे जाता था जो विज़र्ड बताता था. ठीक है. और वहाँ से जाके पैनीज लेके आता था और विज़र्ड को दे देता था और वो हैप्पीली वापिस जाता था अपनी फ्रेंड्स के साथ प्ले करने के लिए. ओके. After playing happily with his friends, Roger would go back home before it got dark to wait for his father who would be on his way back from Boston. ठीक है. So, अपने friends के साथ play करने के बाद Roger darkness होने से पहले, रात होने से पहले ही घर जाता था और जाके अपने father का wait करता था, क्योंकि उसके father वापिस आ रहे होते थे बोस्टन से ट्रेन के थ्रू, क्योंकि उसके फादर बोस्टन में ट्रेन से आ रहे होते थे क्योंकि उसके फादर बोस्टन में जॉब करते थे. ठीक है. देन जैक वुड डिस्क्राइब व्हाट ऑल रोजर एंड हिज फैमिली हैड फॉर डिनर एंड देन एंड द स्टोरी. ठीक है. और इसके बाद जैक डिस्क्राइब करते थे कि किस तरह से जब फादर रोजर के फादर आ जाते थे बोस्टन से, ठीक है, वो अपना डिनर लेते थे और उसके बाद यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती थी. ठीक है. सो ऑन ए स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप, और यहाँ पे अभी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, रियल स्टोरी. ओके. सो ऑन दिस स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप, जैक आस्क जो अबाउट विच क्रिएचर डिड सी वॉन्ट टू हियर अ स्टोरी, टू विच शी रिप्लाइड अ स्कंक. ओके. अब ऑन स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप, ठीक है, जब आप सैटरडे पे आफ्टरनून नैप था जो का, तो जैक ने उसको पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सी स्टोरी सुननी है. ठीक है. सो जो ने आंसर किया कि उसको स्कंक की स्टोरी सुननी है. ठीक है. जैसे कि मेन प्लॉट का होता था रोजर, सो अब उसके साथ किसी एनिमल का नाम जोड़ देते थे, जैसे क्या बन गया यहाँ पे, रोजर स्कंक. ओके. सो जैक स्टार्टेड द स्टोरी विद रोजर स्कंक हु वॉज अ वेरी स्टिंकी एनिमल, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले विद हिम. ठीक है. अब यहाँ पे जैक स्टोरी को स्टार्ट करते, ठीक है, अब जैक ने स्टोरी को स्टार्ट किया और जैक ने स्टोरी को स्टार्ट करके ये स्टार्ट किया और बोला कि जो रोजर स्कंक था, ठीक है, वो बहुत ही स्टिंकी एनिमल था. ठीक है. रोजर स्कंक से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी. ठीक है. और जब भी वो अपने फ्रेंड के पास प्ले करने के लिए जाता था तो सारे फ्रेंड उससे दूर भागते थे, उसके साथ कोई भी फ्रेंड उसके साथ नहीं खेलता था. ठीक है. और वो बड़े बड़े आंसू बहाता था, बहुत ज़्यादा रोता था क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड उसके साथ प्ले नहीं करते थे. ठीक है. सो वन डे He went to the wise owl and shared his problem. So Jack story बताते कि एक दिन उसको problem होगी और वो wise owl के पास गया and shared his problem, और उसने wise owl को अपनी problem को share किया. ठीक है. The wise owl then told him to go visit the wizard. और wise owl ने उसको बताया कि तुम जाओ और wizard को क्या करो, visit करो. Then the skunk went to the wizard and shared his problem. और skunk
विजेट के पास गया और उसने वहाँ पे जाके अपनी जो प्रॉब्लम थी वो शेयर की विजेट के साथ. तो विजेट देन हेल्प्ड हिम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वांटेड टू स्मेल टू दिस. रोजर्स स्कंक रिप्लाइड दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस डिड. ठीक है, अब वो जब विजेट के पास हेल्प के लिए गया तो विजेट ने उसको हेल्प किया. ठीक है, और उसको बोला कि बताओ तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए. तो इस पर रोजर्स स्कंक ने बोला कि मुझे वही स्मेल चाहिए जो कि रोजेस से आती है. ठीक है, सो विद द विजेट मैजिक ही स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस. और इस तरह से विजेट ने मैजिक किया और उससे जो रोजेस की स्मेल है वो आनी स्टार्ट हो गई. ओके, देन ही डिड नॉट हैव इनफ पेनीज टू पे टू द विजेट. सो द विजेट टोल्ड हिम टू गो टू द मैजिक वेल, टर्न अराउंड 3 times एंड ही वुड फाइंड 3 pennies देयर. ओके, विच ही कुड फेच एंड गिव टू द विजेट. The skunk did exactly what was told and got the wizard his pennies. Okay? तब यहाँ पे जो wizard थी, ठीक है, wizard ने क्या किया, रोजर स्कंक को बोला कि आपको इतनी pennies देनी पड़ेगी. लेकिन उतनी सारी pennies रोजर स्कंक के पास नहीं थी, तो उसने wizard ने रोजर स्कंक को बोला कि मैं आपको एक स्पेसिफिक प्लेस बता देता हूँ जहाँ पे आपको जाना था. ठीक है, तो विजर्ड ने बताया कि आप एक मैजिक वेल के पास जाओ. ठीक है, उसके अराउंड 3 times आपको टर्न करना है और वहाँ पे आपको 3 pennies मिल जाएगी. तो एग्जैक्टली जो रोजर स्कंक था वो वही करता है जो कि विजर्ड ने उसको बताया था. ठीक है, तो जाता है वहाँ पे, गया और वहाँ पे जाके उसने 3 pennies लाई और वो विजर्ड को दी थी. लेटर ही वेंट आउट एंड ऑल द अदर एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम एज ही वॉज स्मेलिंग वेरी गुड. बट When he went home, his mother did not like the smell and asked who had made him smell like that. Okay? Later, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है. जब वो विजर्ड को पेनीज दे देता है, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और सारे एनिमल्स उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं. ठीक है, ये जो पिक्चर है ये रोजर स्कंक की पिक्चर है. ठीक है, सो यहाँ पे सारे जो फ्रेंड है उसके अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि रोजर स्कंक से अब बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है, रोजेस की स्मेल. ठीक है, अब उसके बाद डार्कनेस होने से पहले वो घर गया और घर जाने के बाद उसकी मदर ने उससे पूछा कि बताओ ये इतनी अच्छी स्मेल तुम्हें कहाँ से आ रही है. ठीक है, ये कैसे आई और किसने की आई. रोजर स्कंक टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज मॉम एंड हिज मदर एंड सेड शी लाइक्ड हिज स्मेल अर्लियर एंड ही स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक वॉज सपोज्ड टू स्मेल. ठीक है, अब जब वो उसने मदर को बताया मदर को कि वो उसको प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसका कोई फ्रेंड उसके साथ प्ले नहीं करता था. तो वो आउल के पास गया, आउल ने उसको विजर्ड के पास भेजा और विजर्ड ने उसको रोजेस की स्मेल दी थी. ठीक है, तो मदर ने उसको बताया कि उसको जो अर्लियर स्मेल थी उसको वही वाली स्मेल पसंद थी. ठीक है, तो उसको वही वाली स्मेल चाहिए थी क्योंकि मदर चाहती थी कि वो जो स्मेल थी वो उसकी प्रोटेक्शन थी. ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन थी, उस स्मेल से सारे लोग दूर भाग जाते थे, सभी उससे दूर भागते थे, कोई उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता था. तो जो स्मेल थी उसकी प्रोटेक्शन थी. तो मदर चाहती थी कि उसकी जो रियल आइडेंटिटी थी उसे बाहर नहीं जाना है. ठीक है, सो मदर के कहने का मतलब यहाँ पे था कि जो गॉड ने आइडेंटिटी दी होती है हमें उसके अंदर ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके, सो देन द स्कंक टोल्ड हिज मॉम दैट द अदर एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल, बट हिज मॉम सेड दैट शी डिडंट केयर. ठीक है, इसके बाद रोजर स्कंक ने अपनी मदर को बताया कि सारे एनिमल्स उससे दूर भागते थे इसलिए उसने ये सब किया. लेकिन मदर बोलती है कि उसको उस चीज़ से कोई केयर नहीं, उसको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है. ठीक है, उसको अपनी अर्लियर स्मेल ही लानी होगी. She took him right back to the wizard and as soon as the wizard opened the door, she gave him one on blowing his head, okay? With her umbrella and the wizard changed the skunk smell and he smelled foul again, okay? अब मदर को अच्छा नहीं लगता और मदर उसको विजर्ड के पास लेके जाती है और जैसे ही विजर्ड डोर ओपन करता है वो अपना अम्ब्रेला लेती है और जोर से विजर्ड के हेड पे हिट कर देती है. ठीक है, और उसको एकदम से बोलती है कि जल्दी से जो उसकी बैड स्मेल है उसको वापस लेके आओ, उसकी फाउल स्मेल को वापस लेके आओ, उसकी जो अच्छी वाली स्मेल है वो ख़त्म कर दो. तो विजर्ड फिर से अपनी मैजिक पावर से वही करता है और फिर से
और जो रोजर स्कंक है उसे फाउल स्मेल वापस आने लगती है. ओके, वाइल गोइंग बैक द स्कंक हर्ड द ट्रेन कमिंग. जैसे ही वो घर जा रहे थे तो रास्ते में उसने सुना कि ट्रेन आ रही है. ठीक है, हिज फादर वॉज कमिंग टू द ट्रेन, क्योंकि उसके फादर ट्रेन से वापस आ रहे होते थे. ठीक है, दे हर डिनर टुगेदर. जब फादर वापस आ गए घर तो उन्होंने डिनर किया. ठीक है, व्हेन द स्कंक वॉज अबाउट टू स्लीप हिज मदर केम टू हिम एंड टोल्ड हिम दैट शी लव्ड हिम द वे ही वॉज. ओके, एंड देयर वॉज नो नीड टू चेंज. ठीक है, जब उन्होंने डिनर किया, ठीक है, जैक जो को बताते कि अब उन्होंने डिनर किया और डिनर के बाद जो मदर है, मदर स्कंक, ठीक है, वो रोजर स्कंक के पास आती है और बताती है कि आपको अपनी आइडेंटिटी से बाहर, रियल आइडेंटिटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप ऐसे ही पसंद हो और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. ओके, सो द स्टोरी एंडेड हियर. यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है. ठीक है, देन जो आस्क्ड हर फादर वेदर द एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम द स्कंक आफ्टर दैट, टू विच ही रिप्लाइड नो, ऑल ऑफ देम हैड नाउ गॉट यूज्ड टू द वे ही स्मेल्ड. ठीक है, अब जो को स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है. ठीक है, जो को नहीं लगता है कि उससे बैड स्मेल आनी चाहिए, जो को लगता है कि विजर्ड ने तो बड़ा अच्छा काम किया था कि उससे अच्छी स्मेल आने लगी, जो को बिल्कुल भी स्टोरी समझ नहीं पसंद नहीं आती है. तो वो जो अपने फादर जैक को इंटरप्ट करती है और उनसे क्वेश्चन पूछती है. ठीक है, और बोलती है कि क्या उसके जो रोजर स्कंक था, क्या उसके फ्रेंड उसके साथ खेलते थे अभी? ठीक है, कि क्या उससे दूर भागते थे? ठीक है, जो अपने फादर से क्वेश्चन करती है कि बाकी एनिमल क्या उससे दूर भागते थे अभी भी? तो फादर बोलते हैं नो, क्योंकि वो सारे यूज टू हो गए थे उस स्मेल से, तो अभी कोई भी रोजर स्कंक से दूर नहीं भागता था. जो डिड नॉट लाइक द वे स्कंक मदर फोर्स्ड हिम एंड मेड हिम स्मेल फाउल अगेन. लेकिन जो को ये जो वे था स्टोरी का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है. ठीक है, क्योंकि वो इस तरह की स्टोरी नहीं चाहती थी. ठीक है, और वो नहीं चाहती थी कि रोजर स्कंक से वापस फाउल स्मेल आए. शी वॉन्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर अनदर स्टोरी द नेक्स्ट डे इन विच द विजर्ड हिट्स मॉमी बैक एंड रिफ्यूजेज टू चेंजेस द स्कंक स्मेल बैक. ठीक है, अब वो चाहती थी, जो चाहती थी कि अब फादर क्या करे अगले दिन. फादर जो फादर को बोलते हैं कि कल मुझे आपसे ऐसी स्टोरी सुननी है जहाँ पे जो विजर्ड है वो मदर के सर पे, मदर के हेड पे हिट करे. ठीक है, और विजर्ड एकदम से रिफ्यूज कर दे कि नहीं, उसको उसकी जो रोजिश वाली स्मेल है वो वापस नहीं लेनी है और उसको वापस से फाउल स्मेल नहीं देनी है. तो जो ये बोलती है फादर को कि कल आपको मुझे ऐसी वाली स्टोरी सुनानी है. ठीक है, देन जैक टोल्ड हर दैट ही वुड सी. तो जैक बोलता है कि ठीक है, वो कल देखेगा. एंड द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी वॉज दैट द स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन एनी एनिमल्स इन द वुड्स एंड दैट मॉमी न्यू व्हाट वॉज राइट फॉर हिम. ठीक है, अब फादर नहीं चाहते थे कि मदर को वो लेट डाउन करे. ठीक है, सो इसीलिए जैक बोलता है, जैक अपनी डॉटर जो को बताते हैं कि जो मदर थी वो अपने बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जो बेबी रोजर था, ठीक है, रोजर स्कंक भी अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था जितना कि वुड्स में, फॉरेस्ट में रहने वाले बाकी एनिमल्स अपनी मदर के साथ उतना प्यार नहीं करते थे जितना कि रोजर स्कंक करता था. ठीक है, और मदर भी अपने बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ही देन टोल्ड हर टू स्लीप एज बेबी ब्रदर वॉज ऑल्सो स्लीपिंग. और अभी जैक जो को बोलता है कि सो जाओ क्योंकि बेबी, उसका जो बेबी ब्रदर है वो भी सो रहा है. ठीक है, सो ही देन क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर. उसके बाद जैक जो का डोर क्लोज कर देता है. ठीक है, तो जैक का जो का डोर क्लोज कर दिया, उसके बाद वो डाउन स्टेयर चले गए. हिज वाइफ वॉज पेंटिंग द चेयर रेल्स. ठीक है, और जब वो डाउन स्टेयर जाते हैं तो उनकी जो वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी क्लेयर, ठीक है, वो चेयर रेल को पेंटिंग कर रही थी, पेंट कर रही थी. ओके, ही हर्ड सम फुट स्टेप अबव एंड देन स्कोल्डेड जो. और अब यहाँ पे जैक को जो के रूम में से फुट स्टेप की आवाज़ आने लगती है. ठीक है, जैक को पता लग जाता है कि जो अब उठ गई है. ठीक है, अब वो सोने वाले नहीं है. तो जैक जो को जोर से डांटते हैं. ठीक है, और सोने के लिए बोलते हैं. तो फुट स्टेप फेंटेड, उसके बाद जो फुट स्टेप से वो फेंट हो जाते हैं. ठीक है, देन क्लेयर आस्क्ड हिम दैट इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी एंड टू दैट ही रिप्लाइड द पुअर किड.
और जो को जैक को क्लेयर पूछती है कि आज तो बहुत लॉन्ग स्टोरी आपने सुनाई। इसके बाद जैक ने अपनी वाइफ को बताया कि पुअर किड आज भी नहीं सो रही क्योंकि उसको स्टोरी समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई। देन ही वॉच्ड हिज वाइफ डू द पेंटिंग एंड वर्क बट वेरी टायर्ड टू हेल्प हर। ठीक है, अब जैक ने देखा कि उनकी जो वाइफ है, ठीक है, अब वो पेंटिंग कर रही थी वहाँ पे और वो उनको हेल्प करना चाहते थे, क्लेयर को हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाए। सो ऑल्सो ही थॉट दैट देयर मैरिज वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट एंड ऑल्सो दैट देयर वॉज नो सोल्यूशन टू इट। ठीक है, और उन्होंने ये भी सोचा कि उनकी जो मैरिज है वो गुड स्टेट में नहीं थी और उसके लिए कोई सोल्यूशन भी नहीं था। ही ऑल्सो सैड दैट ही डिडेंट फील लाइक टॉकिंग टू हर नॉर टचिंग।